हेलो डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू रीड आवर एसएसटी सेकंड चैप्टर आवर फूड, हमारा भोजन। वी ईट फूड व्हेन वी फील हंग्री, हम भोजन कब करते हैं? जब हम हंग्री फील करते हैं, भूख महसूस करते हैं, अपने आप को भूखा महसूस करते हैं। फूड इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट गिव्स अस एनर्जी। फूड खाने से हमें क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। जब हम भोजन करते हैं तो हमें एनर्जी मिलती है ना। अगर आप पूरा दिन भोजन नहीं खाओगे तो आपका ना खेलने में मन लगेगा ना पढ़ने में। इट ऑल्सो हेल्प अस टू ग्रो एंड स्टे हेल्दी, ये हमारी बढ़ने में और हेल्दी रहने में हमारी हेल्प करता है। इफ़ यू वॉन्ट टू स्टे फिट देन यू मस्ट हैव हेल्दी ईटिंग हैबिट्स, अगर आप फिट रहना चाहते हो तो आप में ये हेल्दी ईटिंग हैबिट्स ज़रूर होनी चाहिए। और हेल्दी ईटिंग हैबिट्स क्या होती हैं कि वी मस्ट वॉश आवर हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर ईटिंग फूड, हमें अपने हाथों को भोजन करने से पहले और भोजन के बाद वॉश करना चाहिए। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स मस्ट बी वॉश बिफोर वी ईटिंग दम, और जब हम फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाते हैं तो उनको खाने से पहले अच्छे से धोना चाहिए। वी मस्ट ईट स्लोली, हमें बहुत धीरे धीरे खाना चाहिए, एंड च्यू द फूड, और भोजन को अच्छे से चबा चबा के खाना चाहिए। ओके, नेक्स्ट आवर थ्री मील्स, वी हैव थ्री मील्स इन अ डे, हम दिन में कितनी बार भोजन करते हैं? थ्री टाइम्स करते हैं, तीन बार करते हैं। कौन कौन सा भोजन होता है हमारा थ्री टाइम? ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर। ब्रेकफास्ट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मील ऑफ द डे, इट कीप्स अस एक्टिव थ्रू आउट द डे, ये ब्रेकफास्ट जब हम करते हैं तो हम पूरा दिन अपने आप को एक्टिव महसूस करते हैं। वी ईट आवर ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग, और हम ब्रेकफास्ट कब करते हैं? मॉर्निंग में करते हैं। नेक्स्ट लंच, लंच इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट मील ऑफ द डे, लंच जो होता है वो भी हमारे दिन का बहुत ही इम्पॉर्टेंट भोजन होता है। वी ईट आवर लंच इन द आफ्टरनून, और हम लंच कब करते हैं? आफ्टरनून में करते हैं। आप भी जब स्कूल आते हो तो लंच लेकर आते हो ना? यस, वी ईट आवर डिनर इन द इवनिंग, और हम डिनर कब करते हैं? इवनिंग में करते हैं। वी शुड नॉट ईट अ हैवी डिनर, और हमें बहुत ज़्यादा बहुत हैवी डिनर नहीं करना चाहिए। अगर हम हैवी डिनर करेंगे तो क्या होगा, हम ठीक से सो नहीं पाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, ओके, दिस इज आवर टूडेज वर्क and we'll continue in the next class. Next class में हम protective food और junk food के बारे में पढ़ेंगे। Okay.